15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस। आज का दिन हमें उन लाखों वीर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें आजादी की इस खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दिया। 1947 का वह स्वर्णिम दिन जब हमारे देश ने ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों को तोड़ते हुए अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, वह सिर्फ एक दिन नहीं था, वह एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और न जाने कितने नाम हैं जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्रता का यह पर्व मना रहे हैं। क्या हम आज के दिन उन शहीदों को केवल याद करके रह जाएंगे? नहीं, हमें उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेना होगा। आज भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, चिकित्सा और सैन्य क्षेत्र में हमने अकल्पनीय प्रगति की है। हमारा तिरंगा अंतरिक्ष में लहरा रहा है और दुनिया हमें सम्मान के साथ देख रही है। हम आजादी के 77 साल बाद एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें तय करना है कि इस देश को कहां लेकर जाना है। लेकिन इस प्रगति की यात्रा में हमें उन चुनौतियों को भी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे सामने हैं। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। हमें इनसे निपटने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, खासकर युवा साथियों, आप इस देश का भविष्य हैं। आजादी की इस मशाल को जलाए रखना और इसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों ने हमें आजादी दी, लेकिन इस आजादी को सहेजना और इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के विकास के लिए काम करें। हमें अपने अंदर के गुस्से, निराशा और नकारात्मकता को त्याग कर देश प्रेम और एकजुटता की भावना को अपनाना होगा। आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और भाषाई मुद्दे हमारे समाज को बांट रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारी ताकत हमारी विविधता में है। विविधता में एकता, यही भारत की पहचान है। हमें हर तरह के भेदभाव को छोड़कर एकजुट होना होगा। आज हमें उस राष्ट्र को बनाना है जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। एक ऐसा राष्ट्र जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, जहां किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले। आज के समय में हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे पर्यावरण का संरक्षण, डिजिटल युग में निजता की सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। हमें इन सभी चुनौतियों का सामना एकजुट होकर करना होगा। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारे देश का निर्माण सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं होगा, बल्कि जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा और उसे निभाएगा, तभी यह देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आज के इस शुभ अवसर पर आइए हम सब संकल्प लें कि हम एक सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत का निर्माण करेंगे। हम अपने पूर्वजों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और उनके सपनों का भारत बनाएंगे। आप सभी से मेरी अपील है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम करें, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें और इस देश को दुनिया में सबसे ऊंचा उठाने में अपना योगदान दें। चलो आज फिर से वो एकता का पैगाम फैलाएं, हर भारतीय के दिल में फिर से वो आग जलाएं, जिसमें जलकर भी हम अपने देश को महान बनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा हर दिल में जगाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।